हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डांस स्टाइल्स की। फोक डांस हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और डिफरेंस भी देखा था फोक डांस में और क्लासिकल में क्या अंतर होता है। आज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांसेस, उसको मैं पिक कर रहा हूँ। साथ में कुछ फोक डांस स्टाइल भी कुछ स्टेट्स के आपके साथ शेयर करूंगा। फोक डांस में दरअसल आपको जो इम्पोर्टेंट फॉल्क डांस है उसको बस ध्यान रखना है, रटने की जरूरत नहीं है। तो बार बार अगर आप देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके ध्यान में रहेगा ये, और फिर आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। चलिए जो स्लाइड्स हैं उन पर चलते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट। मोहिनी अट्टम इज फेमस क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ, तो मोहिनी अट्टम किस क्षेत्र का फेमस डांस स्टाइल है? ऑप्शन है आपके केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। देखिए, दो डांस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इमेज के साथ। ये दो डांस स्टाइल उस जगह के बहुत फेमस हैं। एक तो मोहिनी अट्टम और दूसरा पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कथक कली, KATHAKALI, कथक कली। और मोहिनी अट्टम और कथक कली दोनों फेमस है केरला का डांस स्टाइल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट डांस स्टाइल है इंडिया का क्लासिकल डांस के क्षेत्र में। और पहले तो हम मोहिनी अट्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए, मोहिनी अट्टम जो डांस है या नृत्य शैली है वो मोहिनी और अट्टम दो शब्द से मिलकर बना है। और मोहिनी का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो फीमेल अवतार विष्णु भगवान की हैं, और ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं। और अट्टम जो शब्द है उसका मतलब होता है मलयालम में रिदमिक मोशन या डांस, तो इन दोनों से मिलकर बना है मोहिनी अट्टम। उसी प्रकार, अच्छा, ये इस डांस के बारे में आपको एक और जानकारी देता हूँ कि ये ज्यादातर खासतौर पर वुमेन या फीमेल के द्वारा किया जाता है और सोलो परफॉर्मेंस होता है जिसमें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद ये डांस परफॉर्म किया जाता है। दूसरी तरफ कथक कली जो शब्द है वो कथा और कली से मिला हुआ है। कथा का मतलब आप हिंदी में कथा जिस कहानी बोलते हैं, कथा और कली, तो कली का मतलब हिंदी में कला, कथा और कला, तो इनसे मिलकर बना है कथक कली। और इसकी हिस्ट्री तकरीबन 500 साल पुरानी कहते हैं, 500 ईसा पूर्व 500 साल, 500 BC। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो कुचिपुड़ी डांस स्टाइल बिलोंग्स टू, कुचिपुड़ी डांस स्टाइल कहां से बिलोंग करता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी डांस स्टाइल फेमस है आंध्र प्रदेश से, और ये आप डांस नृत्य शैली जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में। एक और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में भी एक फेमस डांस स्टाइल है जिसे हम कहते हैं भरतनाट्यम, BHART, भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का फेमस डांस स्टाइल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुचिपुड़ी भी बहुत रिपीटेडली पूछते हैं एग्जाम में, और ये तीन चार जो हैं आपको तो बिल्कुल बिल्कुल जुबान पर होनी चाहिए। एक उड़ीसी है जो कि उड़ीसा में परफॉर्म करते हैं, मणिपुरी मणिपुर में परफॉर्म करते हैं, तो ये दोनों तो आसान है, नाम पे पता चल जाता है। बट कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथकली, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, साथ में कथक। ये चार ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉल्क डांस ऑफ त्रिपुरा आर, तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट फॉल्क डांस मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ सिर्फ नाम के साथ, क्योंकि छूम, बीजू डांस, हक हक, गारिया और बोमानी डांस, ये सब जो डांस है त्रिपुरा का, खास तौर पे जो हार्वेस्टिंग सीजन या सोइंग सीजन होता है उस पर डिपेंड करता है। और ये सारे फेस्टिवल्स एक डांस माध्यम के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है जो कि ट्रेडिशनल डांस स्टाइल या फॉल्क डांस स्टाइल है उस जगह का। तो ये सब नाम आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कथक इज क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ विच रीजन, कौन से रीजन का कथक क्लासिकल डांस स्टाइल है? क्या वो नॉर्थ इंडिया का है, केरला, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? तो कथक डांस जो है वो है नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता है। आपको मैं इमेज के साथ दिखाता हूँ। ये दरअसल जो डांस स्टाइल था ये इवॉल्व हुआ था तकरीबन 400 BC ईसा पूर्व 400 BC। और जो मेजर रीजन्स हैं जो कथक के लिए जाने जाते हैं, जहाँ इवोल्यूशन हुआ, वो कहते हैं जयपुर, बनारस, वाराणसी और लखनऊ। तो ये तीन रीजन में खास तौर पर कथक जो है डांस। और याद रखिएगा कथक कली साउथ इंडिया से बिलोंग करता है,
लेकिन केरला से, बट कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है। फॉल डांस ऑफ राजस्थान, तो कुछ फॉल डांस राजस्थान के देख लेते हैं। घूमर, गवारी, तेरह ताली, वलार डांस और चकरी, तो ये जो इंपॉर्टेंट डांस स्टाइल्स हैं ये राजस्थान को बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने को है नहीं क्योंकि ये सारे एक ही तरह के हार्वेस्टिंग, सोइंग सीजन और कुछ रीजनल फेस्टिवल्स पर सेलिब्रेट किए जाने वाले या डांस किए जाने वाले डांस स्टाइल या फॉल डांस स्टाइल है। फॉल डांस ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का भी कुछ फॉल डांस स्टाइल ध्यान में रखिए। रामोला डांस, एक चोलिया डांस और कौफला डांस जिसे बोलते हैं। नाती आपने पिछले वीडियो में मैंने हिमाचल प्रदेश का बताया था और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक दूसरे के नेबर है, तो वहां से आप याद रख सकते हैं बरादा नाटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस स्टाइल जो थे उत्तराखंड के। कर्मा इज द डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट, कर्मा जो डांस स्टाइल है वो क्या वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? कर्मा डांस स्टाइल बेसिकली मध्य प्रदेश का डांस स्टाइल है कर्मा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के डांस स्टाइल है जैसे कि लोटा नृत्य, LOTA लोटा नृत्य, नृत्य मतलब डांस, लोटा नृत्य। और दूसरा जो है जवारा, एक फेमस डांस स्टाइल है, JAWARA जवारा। तो ये दो डांस स्टाइल जो है मध्य प्रदेश के बहुत फेमस है। तो थैंक यू गाइस, मुझे मैंने खास तौर पर मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे उनको कवर कर लिया है। कुछ जो बचे होंगे वो मैं क्वेश्चन के रूप में एवरीडे जीके के सेक्शन में अपडेट करता रहूंगा, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अगला वीडियो मैं करंट अफेयर पे डालूंगा नवंबर मंथ का, और फिर एक मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट एक साल का एक लंबा वीडियो तैयार करने का जिसमें पूरे साल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है तकरीबन एक डेढ़ घंटे का वीडियो रहेगा। और आपको अगर लगता है कि वो फायदेमंद रहेगा एक साल का कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं चाहे स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, नेशनल अफेयर्स, तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर काम शुरू करूँगा क्योंकि उस पर थोड़ा काम लंबा चलेगा ताकि मैं दिसंबर के एंड तक सारी अफेयर अपलोड कर दूँ, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हों और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है और अच्छा भी लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो Thank you for watching this video. Good, till then, goodbye, take care.